अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसिम और आप देख रहे हैं जबरदस्ता चैनल गैजेट्स गेट। और lavapk.com ने हमें सेंड किया है रिव्यू यूनिट, तो नाम है इसका टच लैंप पोर्टेबल स्पीकर CL671। लिंक इनके वेबसाइट का है डिस्क्रिप्शन में और इस रिव्यू यूनिट का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में। अगर आपने परचेस करना हो या वेबसाइट विजिट करनी हो तो लिंक पड़े हैं डिस्क्रिप्शन में। सो नाउ सबसे पहले कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देख लेते हैं हमें क्या क्या मिलता है इसके साथ में। तो जनाब अनबॉक्सिंग करने पे, बॉक्स ओपन करने पे हमें इसके साथ में मिलता है एक ये स्पीकर, और स्पीकर के साथ में है इसका पावर केबल। ओनली ये दो चीजें ही हमें इसके साथ में मिलती हैं। सो गाइस नेक्स्ट थिंग के इसका जो प्राइस है, प्राइस कितने हैं, प्राइस इसके हैं ₹850 इनकी वेबसाइट पे, बाकी और मुख्तलिफ वेबसाइट पे मे भी आपको और प्राइस भी देखने को मिल जाए, तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो बात कर लेते हैं अब इसके साइज की, क्या साइज है इसका। सो गाइज इसकी जो लंबाई है वो है 5 इंच की, और चौड़ाई जो है 3.5 इंच और मोटाई जो है वो गोल 12 इंच। तो ये इसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई। तो वजन कितना है स्पीकर का, इस स्पीकर का वजन है 312 ग्राम्स, यानी बहुत ज्यादा हैवी नहीं है, लाइट वेट है, तो आप इजीली इसको कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके बॉडी और बिल्ड क्वालिटी की, कैसी है इसकी बॉडी और कैसा है ये बना हुआ। तो बॉडी इसकी पूरी की पूरी प्लास्टिक की है, प्लास्टिक बॉडी है। बॉडी के ऊपर में यहाँ पर है जाली जो स्पीकर के ऊपर है टच के लिए, तो टच भी है ये, आगे चल के इसको दिखाता हूँ आपको। और यहाँ पे भी नीचे प्लास्टिक और कुछ पोर्ट बने हैं, बटन है, और नीचे की तरफ में नॉन स्लिपरी रबर वाले जो फुट हैं इसके, और हैंग करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं इस तरह से एज अ लैम्प। तो ये लैम्प और स्पीकर दोनों ही हैं। तो नेक्स्ट थिंग हम बात करते हैं इसके फीचर्स की, फीचर्स और सॉफ्टवेयर। तो गाइज आपको जो इसमें फीचर मिलते हैं वो है टच सेंसर है इसके अंदर RGB लाइट्स के लिए। तो 3 तरह के आपको इसमें मिलते हैं, शेड ब्राइटनेस वाले, और 7 कलर डिफरेंट तरह के मिलते हैं डिफरेंट तरह के मोड्स के लिए, जैसे कि म्यूजिक के साथ में, और जो लैंप है एज अ लैंप के तरह आप यूज करना चाहो तो वैसे, तो डिफरेंट तरह के मोड भी आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर आपको जो मिलते हैं फीचर वो है माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हैं आप, ऑक्स 3.5 mm केबल लगा सकते हैं, और इसका जो DC 5 वोल्ट इनपुट है उससे आप इसको रिचार्ज कर सकते हैं आपके मोबाइल फोन के चार्जर से भी। तो ऑन ऑफ वाला बटन है, USB पोर्ट भी लगा सकते हैं, और बटन वगैरह हैं इसके ऊपर में जो कि आप इनको फॉरवर्ड रिवर्स पास प्ले और वॉल्यूम अप डाउन और मोड वगैरह हैं जो ऑक्स USB वगैरह को यूज़ करने के लिए, ब्लूटूथ को यूज़ करने के लिए। सो नेक्स्ट थिंग हार्डवेयर और स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं। तो स्पीकर इसमें लगा हुआ है 3 वाट का, इसकी जो ब्लूटूथ है वो है 4.1, ऑक्स जैक इसका है 3.5 mm का, चार्जिंग पोर्ट जो इसके अंदर है वो है माइक्रो USB वाली। तो यानी आपका जो मोबाइल फ़ोन एंड्रॉयड की जो नॉर्मली केबल होती है आपके पास में, आप उसको ही इस पर लगा के इसको रिचार्ज कर सकते हैं। और रिचार्जेबल इसमें बैटरी है, बैटरी कितनी, वो आगे चल के बात करते हैं। तो बैटरी पावर जो आउट है इसके अंदर, जो बैटरी है उसकी पावर आउट है 2.5 वाट। सो नाउ टॉक अबाउट बैटरी, बैटरी इसके अंदर लगी हुई है जनाब 800 से 1200 mAh की बैटरी है, और अगर आप इसको 0 से फुल करते हैं तो कितना टाइम लगता है उसमें, आपको टाइम लग जाता है 120 मिनट, यानी 2 घंटे से 2.5 घंटे तकरीबन लग जाते हैं इसको फुल रिचार्ज करने में। तो अगर आप इसकी बैटरी को फुल रिचार्ज करके फुल से 0 तक का टाइम क्या है वो कितना है, तो वो है तकरीबन 90 मिनट, यानी 1.5 घंटा तकरीबन इतना आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप नॉर्मल यूज़ करते हो तो टाइम ज़्यादा हो जाता है, अगर आप ओनली लैंप यूज़ करते हो तो मज़ीद टाइम ज़्यादा हो जाता है। तो एक रेंज बता दूं कि 3 घंटे तक आप इसको बिल्कुल लो पे यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल लो पे। तो अब इसके कर लेते हैं टेस्टिंग। टेस्टिंग में सबसे पहले करते हैं इसका म्यूजिक क्वालिटी टेस्ट। Music play mode.
Music play mode. सो गाइस, टेस्टिंग हो चुकी कंप्लीट। तो आपने सारा कुछ देखा। अब मैं आपको बताता हूं इसके गुड और बैड। सबसे पहले मैं अच्छा बात करता हूं इसमें क्या चीज़ है कि मुझे जो अच्छी लगी सबसे, कि यार इसमें हम जो लैंप के तौर पे इसको यूज़ कर सकते हैं वो चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी यार। उसको आप डिफरेंट मोड में, यार आप 3 शेड जो उसके अंदर मिलते हैं उनको लो या हाई पे रख के अपने तौर पे जैसे भी यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं, विद म्यूज़िक या विदाउट म्यूज़िक, दोनों तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर बुरी चीज़ वो ये कि इसका वॉल्यूम पूरा खोल देने पे आवाज़ फटती है। तो वो आवाज़ की क्वालिटी की बताऊं तो आवाज़ क्वालिटी कोई इतनी सुपर किस्म की नहीं है कि यार आपको हाँ बड़ी अच्छी है, मतलब एवरेज है, सिर्फ एवरेज। आप नॉर्मल यूज़ के लिए इसको यूज़ कर सकते हो, एज अ लैंप यूज़ कर सकते हो, और रोमांटिक म्यूज़िक कोई लगाना है या कोई स्लो बीट्स लगाने हैं या कोई स्लो म्यूज़िक सुनना है तो उसके लिए ठीक है। लेकिन कोई आपने हाई म्यूजिक सुनना है या पूरी आवाज़ खोल के सुनना है तो आवाज़ फट जाएगी, बिल्कुल ब्लास्ट हो जाती है आवाज़। तो प्राइस के हिसाब से अगर देखा जाए तो यार कम प्राइस है, 850 रुपये बहुत ज़्यादा नहीं है। तो उस हिसाब से आपको एक अच्छी चीज़ है जो मिल रही है 850 रुपये के हिसाब से। अगर प्राइस ज़्यादा होते तो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता, लेकिन 1000 से कम में तो आप इसको खरीद सकते हैं। तो ये अच्छा है, लैंप वाला स्पीकर अच्छा है। तो अगर इसमें एक और चीज़ ऐड हो जाती जैसे कि रिमोट के साथ इसको कंट्रोल करने वाला, यानी डिफरेंट तरह के कलर हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं जैसे RGB होता है, अगर वो चीज़ भी इसके अंदर होती तो ज़बरदस्त था। नहीं करो इतना लाउड इसको यूज़, लेकिन नॉर्मल पे रह के करो तो अच्छा है। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही था। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। आज की वीडियो के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।